जब भी हम घर पे पास्ता बनाते हैं तो वाली बात नहीं आती है जैसी एक होटल के पास्ता में आती है। कहाँ पे गड़बड़ रह जाती है वही आज खोलते हैं राज। ये देखिए, मैं आपको सीधे एक दुकान पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे हम पास्ता की चॉइस देखेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी रेसिपी कहाँ स्टार्ट होती है। हमारी रेसिपी स्टार्ट होती है सीधे परचेजिंग से। जैसा इंग्रेडिएंट हम रिसीव करेंगे वैसे ही हमारी रेसिपी बनने वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि हमको लूज़ पास्ता नहीं लेना है, खुला पास्ता तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि पास्ता के नाम पे पता नहीं क्या बेचते हैं। और दूसरी शर्त ये है कि जो पास्ता पैकेट वाले हैं, इसमें जो फर्स्ट नंबर का ये जो देख रहे हैं इसका शाइनी सा कलर है, और ये दूसरा वाला पास्ता का पैकेट है ये वाइट वाइट सा है और अंदर से डस्टी भी लग रहा है। तो आपके हिसाब से कौन सा पास्ता हमको लेना चाहिए? ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर का, ये वाला। जी हाँ, ये पास्ता हमको लेना है क्योंकि ये बेस्ट पास्ता है, इसका कलर अच्छा है और डस्टी भी नहीं लग रहा है। लूज़ पास्ता तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। पास्ता जब भी बना रहे हों तो उसमें वेजिटेबल ज़रूर ऐड करें तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। वेजिटेबल्स में हमने यहाँ पे ब्रोकली ली है जिसकी हम फ्लोरेट्स निकाल देंगे। जैसा पास्ता वैसे उसके हिसाब से उसकी कटिंग करनी चाहिए। और ये रहा बच्चा कॉर्न। बच्चा कॉर्न मतलब बेबी कॉर्न। यहाँ पे इसके भी हमने इस तरह से कट निकाल दिए हैं। और ये रहा कैप्सिकम। कैप्सिकम हम रेड येलो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाई थी इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करी है। और ये रहे दो तीन गार्लिक जिसको हम चॉप कर लेंगे। पास्ता की और भी वीडियोस मैंने पहले से बना रखी हैं, आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें AOP भी मैंने बना रखी है। AOP का मतलब होता है अगली ओलिव पेपरचिनो। पास्ता उबालते समय इस बात का ध्यान रखें कि पास्ता हमेशा एक उबलते पानी में ही डालना है, और पानी का जो टेस्ट है वो नमकीन होना चाहिए, मतलब एक अच्छा नमक उसके अंदर होना चाहिए, और थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ फ्लेम से पास्ता टूट जाता है। तो एक हल्की फ्लेम, मीडियम फ्लेम में हमको पास्ता को उबालना होता है। हर पास्ता का एक बॉइलिंग का टाइम होता है जो कि उसके ऊपर पैकेट पे लिखा रहता है, किसी का 6 मिनट, किसी का 8 मिनट, किसी का 9 मिनट। तो उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमको बॉयल करना होता है। और ध्यान रहे कि पास्ता उबालने के बाद में कभी भी उसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डाला जाता है और ना ही उसके ऊपर से ऑयल लगाया जाता है। पास्ता हमेशा अल दंते फर्म में ही रखा जाता है। वाइट सॉस का एक यूनिवर्सल रेशियो होता है, मतलब कि 1:1:10, एक मैदा, एक बटर और 10 दूध। ये हमारी वाइट रू तैयार हो गई है। रू एक फ्रेंच वर्ड है। और ये देखिए साइड से बबल्स आ रहे हैं, जब ज़्यादा बबल्स आ जाएंगे तो वो ब्लॉन्ड रू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वाइट रू रेडी हो गया है। तो हमको हल्का गुनगुना दूध यहाँ पे मिलाना है और लगातार अपने स्पैचुला से इसको हिलाना है जिससे कि लम्स ना बने। दूध हमेशा थोड़ा थोड़ा करके मिलाना चाहिए। बस एक उबाल आया और हमारा वाइट सॉस तैयार हो गया। देखिए हो गया ना सिल्की वाइट सॉस तैयार। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम बटर डाल देते हैं जिससे कि उसके ऊपर मलाई ना जम जाए। चलिए इसको रख देते हैं हम थोड़ा साइड में। और अब हम एक पैन लेते हैं और उसके अंदर रेगुलर ऑयल डालते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर को जलने से पहले पहले ही हमको यहाँ पे गार्लिक को टॉस करना है। लेकिन ध्यान रहे कि गार्लिक को बिल्कुल ब्राउन या लाइटली ब्राउन भी नहीं करना है, हल्का सा भुने। और उसके बाद में हमको यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे, और उसके बाद में ये कैप्सिकम। और आपके पास बेल पेपर है तो आप बेल पेपर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जियों में क्रंच रहना चाहिए इसलिए सब्जियाँ ज़्यादा नहीं पकाएं। और अब हमने यहाँ पे ऐड कर दी है बेबी कॉर्न और ब्रोकली। पास्ता के अंदर एक हर्ब का अच्छा अरोमा आए इसलिए उसको यहाँ पर डालना ज़रूरी होता है। इसको बोलते हैं इन्फ्यूजिंग करना। 2-4 मिनट के लिए हमको सब्जियों को ढक के पकाना है जिससे कि हमारी सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पास्ता। एक बात और कि पास्ता उबालने के बाद में, पास्ता जब ठंडा हो जाता है उसके अंदर कभी भी ऑयल नहीं लगाया जाता है। अगर हम ऑयल अगर उसमें लगा देंगे तो जो सॉस होता है वो पास्ता से सही ढंग से चिपकता नहीं है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉर्न और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। और ये रहा हमारा वाइट सॉस जो भी हमने
ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम यहाँ पे। 1:1:10 के रेशो में जब हम वाइट सॉस बनाते हैं तो वो थोड़ा थिक बनता है, क्योंकि वो स्टोरिंग के लिए बनाया जाता है, और जब हम पास्ता के साथ उसको मिलाते हैं तो हल्का सा गर्म दूध या हल्का सा गर्म पानी ऐड करके हम उसकी कंसिस्टेंसी को सही कर सकते हैं। यहाँ पे पास्ता थोड़ा सा गाढ़ा लगा तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, जिससे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूदी हो जाए। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च का पाउडर, लेकिन वो भी फ्रेशली क्रश्ड किया हुआ। थोड़ा सा ये मिलाएंगे हम जायफल का पाउडर, वो भी फ्रेश, और ये रही क्रीम, फ्रेश क्रीम, और ये रही प्रोसेस्ड चीज़। ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा पास्ता। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। चीज़ हमेशा बाद में ही मिलाएं और उसको ज़्यादा गर्म ना करें, और लास्ट में थोड़ी सी शुगर हम बैलेंस के लिए डालते हैं। ये देखिए, वैसे इटालियन रेस्टोरेंट के अंदर प्रोसेस चीज़ यूज़ नहीं की जाती है, वहाँ पे मोस्टली पार्मिजन चीज़ यूज़ की जाती है पास्ता के अंदर। तो ये देखिए, बन गया है सिल्की वाइट सॉस पास्ता, बिल्कुल होटल स्टाइल में। आप घर पे ट्राई कीजिए, ऐसा लगेगा जैसे कि आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगाया हो। तो कैसी लगी आपको डिश ज़रूर बताएं, और हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे एक दिशा मिलती है और मुझे लगता है कि हाँ, मैं सही काम कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।